दुर्भाग्य की बात है कि एक आदमी जो काम के नाम जाने को नहीं, जो लोगों ने पहचाने को नहीं, वो आके यहाँ से वोट ले गया। उनके हल्के के लोग तो हमें वोट देते को नहीं, भी कुलदीप मैंने जाने को नहीं, नाम जाने को नहीं, गांव का नाम जाने को नहीं। और हर बार हमारे साथ ये हुई है कि हमारा आदमपुर हल्के में पिछली बार दुष्यंत को जाने कौन था 40,000 वोट ले गया, इस बार यो जाने को नहीं 56 के 60,000 वोट में देखा भी कोई 60,000 56,000 ले गया वोट। बहुत मंथन किया, मैं पहले वहां पे जाना चाहता हूं कि 1998 में जब पिताजी करनाल से सांसद बने तो यहां आदमपुर में बाय इलेक्शन हुआ था और मैं राजनीति में नहीं आना चाहता था क्योंकि मेरे से ना झूठ बोले जाते ना ड्रामे आते हैं भाई। तो मुझे पता चुनाव अनाउंस हो गए पिताजी मन लड़ावेंगे तो मैं अपना बिजनेस करता था लंदन में एक्सपोर्ट के काम कपड़ों का और चीजों के, तो मैं विदेश चला गया बैठ के यहां से कि भाई पिताजी चुनाव मुझे लड़ाएंगे। तो पिताजी ने मीटिंग यहां ली या दिधार ली कि दिल्ली मुझे नहीं पता, पिताजी का लोग आदमपुर के थे उनको अपने पास बुलाया या शायद यहां दुकान पर ली होगी, मुझे नहीं पता कहां ली मीटिंग रामजिला जी थे सारी आगे आप लोग थे। तो सभी लोगों ने कहा भी कुलदीप को आना चाहिए कि कुलदीप संभालता है हल्का और ये है वो है। तो पिताजी ने मुझे फिर आप लोगों के कहने पर पिताजी लंदन मुझे फोन किया कि भाई तू वापस आ गया। मैंने कहा जी मैं राजनीति में नहीं आना चाहता क्योंकि राजनीति में लोग झूठ बोलना पड़ा है, गलत बोलना पड़ा है। पिताजी ने कहा कि बेटे तू अपनी सच्चाई मत छोड़ना, झूठ तो सारे नेता बोलते हैं, तू सबसे अलग दिखेगा तो राजनीति में ऊपर जाएगा। वो भाई घर की बात मुझे नहीं बतानी चाहिए थी। पिताजी ने मुझे कहा कि भाई तेरे भाई का लक्षण तो मेरा है, ये नाश करेगा मेरा, तू मेरा नाम आगे जा सकता है। तो पिताजी ने इस प्रकार की भावुक बातें मेरे से करी तो मैं फिर पिताजी की बात मांगा, मेरी बहस हुई पिताजी से बहुत फोन पे। मैंने कहा कि मैं हल्का संभालता हूँ 93 के बाद से, हल्का मैं ही संभालूंगा पर मैं वोट बाढ़ मेरे से इलेक्शन लगवाऊ मेरे को। तो पिताजी ने फिर ये भावुक बातें करी भी कि बड़े भाई तेरा ठीक को नहीं, दारू पिया और करे काम करे, तू आगे संभालेगा नहीं, मेरी ये मेहनत कर रहा आदमपुर हल्का खराब हो जाएगा। तो पिताजी की बात मान के और मैं राजनीति में आया और मैंने कहा भी ना मैं झूठ बोलता ना मैं ड्रामे करता। पिताजी ने एक बात मुझे जरूर कही साफ तौर पे कि ये आदमपुर हल्का मैंने बड़े मन से इस हल्के को अपना परिवार की तरह सींचा, इस हल्के के साथ कभी धोखा नहीं करना, इस हल्के को परिवार की तरह रखना। तो 98 से लेके आज तक मैंने हर भरतक प्रयास किया, ईमानदारी नहीं छोड़ी, आपके लिए हर भरतक प्रयास किया, किसी तरीके से राज हमारा बन गया। 1987 से लेके आज तक 32 साल हो गए मुझे राजनीति में इस हल्के में आते हुए। 32 साल के अंदर ईमानदारी से कोई आदमी मुझे बता दे कि मैंने किसी से ऊंची आवाज में बात करी हो या मैंने कभी किसी के साथ अन्याय किया हो या मैंने कभी किसी का धोखा करा, लेकिन हर बार हमें उल्टा सुनने को मिल जाता है, हमारे बैठन को नहीं आया जी, हमारे ब्याह में को नहीं आया जी, हमारे पुराने को नहीं आया जी। अब 2 साल रेणुका ने दिन रात एक करे सारे लोकसभा क्षेत्र में, आपके यहाँ भी आई, मेरी सेहत ठीक होनी थी, मेरे तकलीफ थी बहुत, पेट बढ़ता था मेरा कि भाई यहाँ आदमपुर नहीं आ पाता, ये हार नहीं आ पाता, ये आती थी ये बताती थी कि भाई लोग ताने तो मारे, मैं सुनो भाई आपके घर के लोग सुनने तो पड़ेंगे ताने, क्या करें। 4 लोकसभा चुनाव हमने जीते सरकार जाने के बाद, 2 पिताजी ने 2 मैंने। हुड्डा साहब पहला चुनाव लड़े सरकार जाने के बाद, खुद भी हार गए, छोरा भी हार गया। तो चुनाव हारने का मलाल नहीं, लेकिन आदमपुर हल्के ने इस बात की सजा मारे को दी, मेरे को समझ नहीं आई बात अभी तक कि भाई हम अगर अच्छे कौन लगे तो हमने बता दिया, हम छोड़ दें राजनीति, खत्म करा काम नहीं। क्योंकि मैं तो आज बड़े साफ तौर पर कहने आया हूँ कि वो लोग जो इस हल्के को जानते नहीं, जो लोग आपको गालियां निकालते थे, वो कभी बैठना आए आपके पास, वो कभी आए किसी दुख सुख में, हमने चाहे कम आए ज्यादा आए, 2 साल मेरा जी जानता है कि मेरी सेहत कैसे, मैं मौत के मुंह से बाहर आया हूँ। आपको भव्य को नहीं बताना चाहिए था, भव्य ने चलो बता दी, तो सारा धर्म भाई सबसे ज्यादा बड़ा था मेरा साथ देना कि भाई आदमी घर का मुखिया अगर बीमार हो जाता है तो घर के परिवार के लोग सेवा करें साफ करें। तो मेरे लिए सेवा आपकी थी कि आप मेरे बेटे को जिताते, एक आदमी यहाँ 1 किलोमीटर पे उसकी आत्मा रो रही होगी पिताजी के भी यहाँ में जाके आए अभी कि भाई इस हल्के को मैंने इतना संभाला, उस हल्के ने मेरे पोते को आ दिया, मतलब कितनी तकलीफ पिताजी के मन में हो रही होगी उसी तकलीफ हमारे मन में बहुत ज्यादा है। हाँ तो मैं तो आज बड़े साफ तौर पर आपसे बात करने आया हूँ कि 2 तारीख तक था ना टाइम दू साथियों से, मेरा परिवार का आदमी आपके साथ रहूंगा आजीवन, आपने साथ दिया भाई सारी उम्र सेवा तो करनी है, लेकिन 3 तारीख को पिताजी की बरसी है, 3 तारीख को मैं आऊंगा दोबारा यहाँ पे,
तब तक आप सारे गामा ने टटोल लियो, ये सारा बूथ हम टटोल लियो कि भाई कि कुलदीप थाने अच्छो नहीं लागे, भजनाल परिवार अच्छा नहीं लागे, तो जो अच्छो लागे बने लिया ये भाई मैं साथ रहूंगा आपको, कोई बात लेकिन राजनीति फिर मैं नहीं करूंगा। आदमपुर छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़नी पड़ेगी। मैंने पिछला लोकसभा चुनाव में हारा, मैं राजनीति छोड़ दिया था। दिल्ली के अंदर दो दिन लोग धरने बैठे रहे कि राजनीति कौन छोड़न दिया। दो दिन लोगों ने अपनी आग लगाने की कोशिश भी करी, हमने बचाया, उनको अस्पताल ही भेजा हमने दिल्ली। मेरे फार्म पे मैं राजनीति में आया, मेरी जब सेहत खराब हुई मैं अपने बिस्तर से बाथरूम भी कौन जा सकता था, इतना बुरा हाल था मेरा। रेणुका है, भव्य है, चैतन्य है, ये लोग व्हील चेयर में मुझे लेके जाते थे, बाथरूम तक मेरा इतना सांस फूलता था। तो डॉक्टरों ने मुझे कहा कि जी आप दो ढाई साल आप पब्लिक लाइफ नहीं कर सकते, इन्फेक्शन हो गई आपके तो जिंदगी जा सकती है। लेकिन फिर भी मेरे को पिताजी का वादा याद आया कि भाई हल्का नहीं छोड़ना, इस हल्के ने बड़ा हमारा साथ दिया, हमारे परिवार के लोग, और मैं आपको परिवार मानता हूँ, मानता रहूंगा सारी उम्र, क्योंकि आपने बड़ा साथ दिया हमारा, इसमें कोई राय नहीं, एक आधी बार हो जाया करता है। तो उसी कारण मैंने राजनीति नहीं छोड़ी। अभी भी मेरे को जून में फिर जाना है लंदन अमेरिका, एक आखिरी ट्रीटमेंट और मेरे गले की होनी है, आखिरी वाली, दो मैं करा चुका, तीसरी और क्या फिट हो जाऊंगा मैं जून में, फिर दो हफ्ते में जाऊंगा बच्चों के साथ। लेकिन उससे पहले हमें फैसला लेना है। 2 तारीख तक मेरी आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, आप घर घर जाओ, चाहे सारे लोगों ने पूछ लो कि भाई अगर हमारे परिवार अब आपको पसंद नहीं रहा तो क्यों खराब करो कुलदीप ने, भाई और बड़ी आदमी जाके मैं उसका भी साथ दूंगा, आपको आदमी खड़ा कर देना, कुलदीप भिंडो के साथ देगा उसको। लेकिन ये बात बड़ी, मैं नहीं कहता मेरी वजह से उस आदमी को, पिताजी को भट्ठा लगे कि इस आदमी ने सारी उम्र सेवा करी। हिसार के अंदर मैं रहा, जहां मैं हिसार में गया हर आदमी ने कहा भैया वो तो भजनलाल को दियड़ो है, वो भजनलाल की बनाईड़ी है या फलानी बनाईड़ी है। चल हम बात करें रात ने कि आदमपुर हल्का छोड़ के हिसार हमारा कभी था ही नहीं, उम्मीद उठा हिसार हमारा, हम हिसार के चौधरी भजन लाल इतना बड़ा आदमी, हिसार की यूनिवर्सिटियां सारे, कोई ऐसी जाति नहीं इसको जगाए ना दी, धर्मशालाएं अस्पताल सब पिताजी का बनाया था, और उस आदमी को सिर्फ 2,500 वोट दिया हिसार लोकसभा क्षेत्र में। हिसार हमारा कहाँ हो गया, हमारा आदमपुर है, हिसार हमारा बिल्कुल नहीं है, मैं साफ तौर पर कहता हूँ। चौधरी भजन लाल को 2,50,000 से चढ़ा किया था हिसार को, 2,500 वोट दिया चौधरी भजन लाल ने, तुम्हारा हिसार कहाँ से होगा। लेकिन आदमपुर मेरा है और मेरा रहेगा हमेशा। लेकिन मन की बात मैं कह रहा हूँ कि बुरा ना मानिए भाई, मन की बात मैं कहने आया हूँ कि बड़ी तकलीफ मेरे हुई है कि इस हल्के के लिए 32 साल मैंने सेवा करी, इस हल्के में सारी उम्र मेरे पिताजी ने सेवा करी, और अगर किसी हल्के के आदमी से मुझे हरा देते तो मुझे तकलीफ नहीं होती बिल्कुल। एक ऐसे आदमी से हरवा दिया जो कभी आया ही कौन नहीं, अभी भी नाम कौन जाने गंवागा वो कि मोदी ने वोट दे दिया। अरे मोदी आयो था आदमपुर में, मोदी ने क्या करे आदमपुर में, मोदी आगे के कर ले, बुलाओ मोदी ने कान मुकान काटा है, बुलाओ खट्टर ने कान मुकान काटा है, बुलाओ बीरेंद्र सिंह ने कान मुकान काटा है, और बीरेंद्र सारे काम में आ जाए तो कुलदीप बिठनो यहाँ बैठा है। कोई कान मुकान की बात नहीं, अरे माने सुना ना जी, मारा आवे कौन जी, अरे मुकान कौन आया जी, मारे ब्याह में कौन आया जी, बुलाओ ना फिर माने बीरेंद्र ने माने आया तो ब्याह में उनके हल्के में, वीरेंद्र के हल्के में मैं गए हम लोग, मैं आपके पास आके बोल के गया था कि सबसे ज्यादा नाराजगी कहीं है तो उचाना हल्के में, मैं बोल के गया था और ये बात सही थी। ये रेणुका बैठी, सारे लीडर बैठे, हम जितनी बार उचाना गए इतना जबरदस्त स्वागत हमारा हुआ, इतनी गाड़ियां वीरेंद्र को निकाली लोगों ने, लेकिन वोट बढ़िया वोट दिया है उन्होंने वहां पे, और माने गाड़ भी काट दी और माने वोट भी कौन दिया। लेकिन याद भी वोट का वोट कैसे खराब कर सकते हो, क्या किया मोदी ने, मतलब अभी मैं थाना लिख कर दूं, इतना रोएगा हर लोकसभा के लोग, इतना रोएगा देश का लोग, सत्यानाश ये मोदी करेगा, बस ये फेसबुक पर ट्विटर पर भेज भेज के छोरे खराब कर दिए सारे के सारे। काम हमने कराया, वोट काम करने वोट दोगे थे, हम बाहर के आदमी कैसे वोट दे दोगे। इसलिए साथियों बहुत विशेष साफ तौर पर पूरे परिवार ने हमने कल फैसला कराया, हालांकि मेरे परिवार के मेरे दोस्तों तो मुझे कह गए थे कि भाई आप छोड़ दो, तकलीफ होते कोई नहीं, भाई जब आओ आओ इतना ना करो।